पुराने जमाने का बोर्ड है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये पुराने जमाने के बोर्ड में कैसे कटिंग लगाते हैं, कटिंग मतलब इसको कैसे काटेंगे इस रेगुलेटर के हिसाब से, और इसमें कैसे ड्रिल लगाएंगे। तो इसमें ड्रिल और कटिंग हम इस एक्सो ब्लेड से करने वाले हैं। तो कटिंग तो एक्सो ब्लेड से हो सकती है, पर ड्रिलिंग एक्सो ब्लेड से कैसे होती है आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे, और इसको सक्सेसफुली यहाँ पर इंस्टॉल करके बताएंगे। इसको पहले ऐसे मार्क करना है। देखो मेरे पास हाथ में एक पेंसिल है, ठीक है, चारों साइड से इसको मार्किंग कर लेना है। देखो हम यहाँ पे हम इसका मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसा हो गया। अभी ऐसा सीधा साइड में भी, ठीक है, ये साइड से, ये साइड से, ये साइड से, और ये साइड से। अभी यहाँ पर देखिए, देखो यहाँ पर आपको मेरी मार्किंग दिख रही है, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, ठीक है। अभी ये मार्किंग से यहाँ पर हम कटिंग करने के लिए जगह बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कहाँ पर रेगुलेटर लगाना है ये पहले देखेंगे, उसकी जगह हम फिक्स करेंगे। तो अभी हमें यहाँ पर दो रेगुलेटर लगाने हैं, ठीक है। तो पहले दो रेगुलेटर बीच में कहाँ पर अच्छे दिखते हैं वो पहले देखेंगे, ठीक है। तो हमें ये वाली जगह अच्छी लग रही है, तो हम पहले उसको ये साइड से और ये साइड से मार्किंग कर लेंगे कि हाँ बाबा यहाँ पर हमारा अच्छा दिखेगा। पहले मार्क कर लेना है ऐसा। देखो मैं एक यहाँ पे लगा रहा हूँ एरो, और एक ऊपर एरो लगा रहा हूँ, ठीक है। अभी एरो हो गया। अभी देखो मैं इसको पहले इस एरो को लाइन लगा रहा हूँ ऐसे ही, इधर एरो को लाइन लगाऊंगा, ठीक है। अभी देखो ये हमारा नीचे और ऊपर का लाइन हो गया। सीधा करने के बाद इसकी जो मार्किंग है, ये मार्किंग को यहाँ पे मार्क कर लेंगे, और इसकी मार्किंग यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। हमें दो मार्क गई है, पहले जो मार्किंग ली थी उसको हमें लाइन लगानी है। अभी हमें एक बॉक्स मिल गया, देखो ये वाला बॉक्स हमें मिल गया है। तो ये वाला बॉक्स हमें यहाँ से लेके यहाँ से ऐसा इसको कट लगाएंगे, ठीक है। कट लगाने के बाद इसके अंदर है ऐसा आराम से फिट हो जाएगा। देखो ये लाइन के अंदर ही आ रहा है, हमारा मार्किंग हो गया। तो अभी पहले बोर्ड को खोल लेंगे, खोलने के बाद इसको हम कटेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इस हैक्सो ब्लेड से मैं इसको काट के भी बताऊंगा और इसमें ड्रिलिंग करके बताऊंगा। तो हमें क्या करना है, देखो मैंने यहाँ पर हैक्सो ब्लेड को कट लगाया है। देखो इसमें हमने एक्सो ब्लेड को एक कट लगाया है। तो कट लगाने से क्या होगा, हमें यहाँ पर ड्रिलिंग करने के लिए भी आसानी होगी और काटने के लिए भी आसानी होगी। अभी मैं आपको इस एक्सो ब्लेड से इसको कट करके बताऊंगा। सबसे पहले इसके अंदर हमें एक्सो ब्लेड को घुसाना है। देखो अभी इसके अंदर हमारा एक्सो ब्लेड इंटर हो गया, इतना हो गया। अभी जस्ट सिंपली इसको काटते जाना है हमें। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसमें कटिंग कर लिया है। अभी हम इसके अंदर हमारा रेगुलेटर बिठाएंगे। मार्किंग करने के लिए पेंसिल की मदद से इसके होल के अंदर पेंसिल से मार्किंग कर लेंगे। देखो अभी यहाँ पर दिख रहे हैं हमारे मार्क, इस पर हमारे स्क्रू लगने वाले हैं। तो इसको अभी हमें ड्रिलिंग करना है। तो जैसे मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हैक्सो ब्लेड की मदद से मैं इसको काट के भी बताऊँगा और इसको ड्रिलिंग भी करके बताऊँगा। तो अभी देखो मैं अभी इसको ड्रिलिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे रखना है। देखो अभी कैसे इसमें डिले हो रही है। हो गया,
देखो इसमें हो गया एक ड्रिल, थोड़ा पीछे के साइड से फिनिशिंग करेंगे। देखो इसमें ड्रिलिंग हो गया, उसी प्रकार अभी हम तीनों में ड्रिल करेंगे। पुराने ज़माने के स्वीट सॉकेट चेंज करने के लिए ऐसे नट बोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, इस नट बोल्ट के सिवा ये टाइट नहीं होते। पहले जैसे एक को लगाया वैसे ही पहले दूसरे, वैसे ही दूसरे को लगाएंगे, बाद में इसको फुल टाइट करेंगे। नट लूज होएगा ना तो ये रेगुलेटर हिलेगा, इसीलिए इसको अच्छे से टाइट करना है। अभी मैंने आपको इसमें कटिंग और फिटिंग कैसे करते हैं ये बताया, इसके बाद रेगुलेटर का स्विच के साथ कनेक्शन कैसे होता है अभी ये बताऊंगा। यहाँ पर मैंने स्विच के ऊपर मार्किंग कर ली है F2 F1, मतलब ये फैन 2 का स्विच है और फैन 1 का स्विच है, तो ये रेगुलेटर का कनेक्शन इस स्विच के साथ होने वाला है। तो अभी इसका कनेक्शन इस स्विच के साथ कैसे करते हैं अभी मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। सबसे पहले जिस रेगुलेटर को जिस स्विच के साथ कनेक्ट करना है उस स्विच के वायर निकाल लेनी है, ठीक है। ये उस फैन की वायर थी, अभी हम क्या करेंगे यहाँ से जो वायर निकाली है ये वायर जिस रेगुलेटर से देनी है उस रेगुलेटर के साथ जोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या किया हमने, ये फैन का स्विच था तो हमने यहाँ से वायर निकाली और रेगुलेटर के एक वायर को जोड़ दी। अभी बची रेगुलेटर की दूसरी वाली वायर, यहाँ पर आप देख सकती है एक रेगुलेटर में 2 वायर है, ठीक है। अभी दूसरी वाली वायर क्या करेंगे, ये वायर जहाँ से निकाली थी यहाँ से, ठीक है, तो ये वाली वायर रेगुलेटर की वायर हम यहाँ पर लगा देंगे। तो अभी यहाँ पर देखिए हमारा कनेक्शन कैसे हुआ, सबसे पहले पावर आई स्विच में, स्विच से होकर आई रेगुलेटर में और रेगुलेटर में से होकर फैन के वायर में गई, ठीक है। यहाँ पर अभी हम टेप लगा देंगे। अभी जैसा इस रेगुलेटर का कनेक्शन किया वैसा अभी दूसरे फैन के साथ दूसरे रेगुलेटर का कनेक्शन हम करने वाले हैं। तो देखो ये वाले रेगुलेटर में कितने वायर्स हैं, तो देखो ये वाले रेगुलेटर में 2 वायर है, ठीक है। अभी जैसे ये कनेक्शन किया वैसे सेम इसमें कनेक्शन करने वाले हैं। तो देखो इसमें F2 यहाँ पर लिखा है, ठीक है, तो F2 का बटन ये वाला है। तो सबसे पहले फैन का जो वायर है वो यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। फैन का वायर यहाँ से निकालने के बाद जिस रेगुलेटर में हमें जोड़ना है, ठीक है, उस रेगुलेटर में एक वायर को वो जोड़ लेंगे। देखो यहाँ पर वे सेम हमने यहाँ से वायर निकाली यहाँ पे जोड़ दी और इस रेगुलेटर की दूसरी वाली वायर हम इस स्विच में जोड़ेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं फिर से कनेक्शन बताता हूँ, सबसे पहले पावर आई स्विच में, स्विच से होकर रेगुलेटर में, रेगुलेटर में होकर वायर में गई, ये फैन की वायर है, बस इतना ही काम इसमें होता है। जॉइंट में टेप लगाना ना भूले। ठीक है, तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि बिना ड्रिल मशीन के हेक्सो ब्लेड की मदद से
कैसे बोर्ड को कटते हैं और उसमें कैसे ड्रिल लगाते हैं। आपके पास 100 ब्लेड हो तो आपको ड्रिल मशीन की थोड़ी भी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे बोर्ड को खोला था अभी वैसे उसको फिर से टाइट करेंगे। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।